सोचो तुम्हारी जिंदगी एक बिस्तर में पड़े पड़े इंस्टाग्राम रील को देख देख के कट रही है। सोचना क्या है? तो ऐसे लाइफ को तुम क्या कहोगे? बोरिंग। ऐसे ही जब तुम अपने फोन को खोलते हो और वही सेम वॉलपेपर दिखता है, ना ही कोई कुछ मजेदार चीज हो रहा है, सो उसे तुम क्या कहोगे? जिंदगी तो देखो, जिंदगी में ना हमें हर चीज को चेंज करने का मौका नहीं मिलता है। कुछ चीजों में हमारी वजह से और कुछ चीज लोगों के धक्के मारने की वजह से, पर कुछ कर सकते हो चेंज, तो वो है तुम्हारा फोन। कुछ इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके के एस्थेटिक लुक टाइप फोन्स थीम्स चेंज कर सकते हो। अब थीम्स तुम डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो अपने थीम्स वाले उनसे, बट उसके लिए तो फ्री में कैसे करने, और वो भी खुद की तरह जैसे भी मन कर पा जैसे भी। सो देखो, जब तुम दुल्हन को सजा ही रहे हो, मतलब फोन को चेंज कर ही रहे हो, तो सबसे पहले एक अच्छा सा वॉलपेपर चाहिए, राइट? अब हाँ, इससे पहले कि तुम गूगल पे जाके कोई सस्ता डल वॉलपेपर सर्च मार के उसे डाउनलोड करके उसे लगाओ, प्ले स्टोर पे जाओ, पिंट्रस्ट सर्च मारो और अल्ट्रा HD 4K जैसी वॉलपेपरों का लुत्फ़ उठाओ, हाईलाइट। और हाँ, तुम सोचो कि पिंट्रस्ट को क्या डाउनलोड करना, वहीं से करता, तो पिंट्रस्ट को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उसी में तुमको ऐप आइकन मिलेगा। ऐप आइकन क्या है आगे बताता हूँ। वॉलपेपर ढूंढ लो जैसे भी चाहिए तुमको, ढूंढ लिया, मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ, काजल और लिपस्टिक भी तो लगाना है। ये चीज करने के लिए सबसे पहले तुमने वॉलपेपर लगाया, अब सिंपली जाओ प्ले स्टोर पे। हाँ, अब फ्री में चाहिए तो प्ले स्टोर से कुछ ऐप डाउनलोड कर लेना, हालांकि बाद में गिरा सकते हो। जाओ, सिंपल सर्च मारो एनी आइकन, डाउनलोड करो, कम MB का है। उसके बाद उस ऐप पे जाओ, पिंट्रस्ट पे जिस तरह के तुमको ऐप आइकन चाहिए वो सर्च मारो। जैसे इस थीम के लिए मेरे को डीमन स्लेयर का ऐप आइकन चाहिए था, तो सिंपली मैंने सर्च मारा मोबाइल ऐप आइकन डीमन स्लेयर, तो कुछ ऐप आइकन आ गए, तो मैं उनको अब डाउनलोड करूंगा। डाउनलोड कैसे करना है, 3 डॉट पे क्लिक करो, डाउनलोड करो। फिर ऐप आइकन को चेंज कैसे करना है, सिंपली एनी आइकन में घुसो, उसके बाद तुमको अपने पूरे ऐप्स दिखने लग जाएंगे। उसके बाद जिस ऐप को तुमको चेंज करना है, व्हाट्सअप जैसे कि ले लो, तो व्हाट्सअप ले लिया। उसके बाद वहाँ पर जाके तुमको प्लस का आइकन मिलेगा, प्लस पे क्लिक करो। देन उसके बाद गैलरी मिल जाएगी, गैलरी पे क्लिक करो। उसके बाद जो तुमने आइकन डाउनलोड करा है उस पर क्लिक करो, उसके बाद तुम्हारा वहाँ पर आइकन दिख जाएगा। उसके बाद जैसे भी तुमको चाहिए रख लो, स्क्वायर में चाहिए तो स्क्वायर में, सर्कल में चाहिए तो सर्कल में, और जितना तुमको करना है वो अपने हिसाब से कर लेना। जब हो जाएगा डन कर दो, सेव कर दो और ऑटोमेटिक कर दो। उसके बाद वो तुम्हारा होम पेज में आ जाएगा, उसके बाद उसको अपने जहाँ पे भी लगाना है वहाँ पे लगा दो। ऐसे ही करके सारे आइकन्स को चेंज कर दो। हाँ, पिंट्रस्ट पे तुमको हर प्रकार के आइकन नहीं मिलेंगे, पर जो मेन आइकन होता है जैसे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, सेटिंग, गैलरी, सब वो मिल जाएगा। तो अगर खुद से बनाना है तो नेक्स्ट वीडियो ला दूंगा। इसके बाद अब हो चुका है मेकअप कंप्लीट, पर फाइनल टच देना बाकी है। प्ले स्टोर में फिर से घुसो, तो सिंपली जाओ, सिंपल विजिट सर्च मारो और उसे डाउनलोड करो। कम MB का ये, बाद में डिलीट कर सकते हो। उसे डाउनलोड होने के बाद फिर से घुस जाओ पिंट्रस्ट पे, अपने हिसाब का कोई फोटो कोट कुछ भी जो तुम्हें चाहिए साइड बाय साइड लगाने को निकालो। जैसे मैंने ये निकाला डीमन स्लेयर के 3-4 फोटोज, जिन्हें मैं अपने फ़ोन पे लगाऊंगा। अपने होम स्क्रीन पे दबा के रखो, उसके बाद नीचे से सेक्शन आते हैं ना, वॉलपेपर, विजिट, सेटिंग्स, ये सब आते हैं। विजिट्स पे क्लिक, तो नीचे नीचे स्क्रॉल करते जाओ, एंड देन तुमको मिल जाएगा सिंपल विजिट जो तुमने डाउनलोड करा है, उस पर क्लिक करो। देन उसके बाद एक वो खुल जाएगा, वहाँ पे तुमको 3-4 बॉक्सेस देखने को मिल जाएंगे, तो उस बॉक्स पे होल्ड करके रखो, किसी पे भी कर लो, सेम ही है वो सब। होल्ड करके रखो, फिर जहाँ तुमको अपने फ़ोन पे
फोटो को एडजस्ट करना है वहां पे उसको लगा लो, उसके बाद तो डायरेक्ट जैसे तुम उसको छोड़ोगे उसके बाद तो डायरेक्ट तुमको वहां घुसा देगा। देन उसके बाद फोटो सोर्स पे क्लिक करो, उसके बाद जो फोटो तुमको वहां पे लगानी है उस फोटो को सिलेक्ट करो। देन तो बस दुल्हन रेडी। तो जब इतना कर ही सकते हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो।